एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव न्यूज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे तेलुगु कॉमेडी ड्रामा फिल्म मिस शेट्टी मिस्टर पोली शेट्टी की ओटीटी रिलीज डेट के बारे में। दोस्तों, इस मूवी की ओटीटी डेट अनाउंस हो चुकी है, तो कौन कौन सी लैंग्वेज में मिस शेट्टी मिस्टर पोली शेट्टी ओटीटी पे आपको देखने मिलेगी। साथ ही साथ बॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जरा हट के जरा बच के मूवी की ओटीटी रिलीज के बारे में भी आपको बताएंगे। तो इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, पी महेश बाबू द्वारा लिखित और निर्देशित मिस शेट्टी मिस्टर पोली शेट्टी एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें अनुष्का शेट्टी और नवीन पोली शेट्टी ने लीड रोल प्ले किया है। वेल, आपको बता दें, 7 सितंबर को रिलीज हुई ये फिल्म स्पर्म डोनेशन के महत्व और मॉडर्न रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। साथ ही आपको बता दें, यूवी क्रिएशन द्वारा निर्मित इस फिल्म का बजट है करीब 12 करोड़ रुपए, और 20 दिन के अंदर ही मिस शेट्टी मिस्टर पोली शेट्टी ने 50 करोड़ रुपए के ऊपर की कमाई कर डाली है। यानी दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है। तो जिन लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी, उन सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। अब आप घर बैठे इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के ओटीटी राइट्स बाय कर लिए हैं। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम के साथ ये फिल्म आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में भी देख पाएंगे। रिलीज डेट की अगर बात करें तो 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को सभी लैंग्वेजेस में एक साथ मिस शेट्टी मिस्टर पोली शेट्टी नेटफ्लिक्स पर आप सभी को देखने को मिल जाएगी। एनीवेज, अब बात करें जरा हट के जरा बच के मूवी की ओटीटी अपडेट की। तो दोस्तों, विकी कौशल और सारा अली खान की ये फिल्म 2 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। विकिपीडिया के मुताबिक 50 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 115 करोड़ 89 लाख रुपए की कमाई की। सो फ्रेंड्स, रोमांस कॉमेडी ड्रामा से भरपूर इस फिल्म को रिलीज हुए 4 महीने लगभग पूरे हो चुके हैं और अभी तक भी ये फिल्म हमें ओटीटी पर देखने को नहीं मिली, क्योंकि दोस्तों, इस फिल्म का ओटीटी प्लेटफॉर्म भी जियो सिनेमा है, जिसने भेड़िया और विक्रम वेदा मूवी को भी काफी टाइम तक लटका कर रखा था। एनीवेज, बात करें जरा हट के जरा बच के मूवी की ओटीटी अपडेट की। तो दोस्तों, अभी फिलहाल जियो सिनेमा पर एक फिल्म फेस्टिवल चालू किया गया है, जो 20 दिन तक चलने वाला है। इसमें हर दिन आपको एक न्यू मूवी देखने मिलेगी। कल यानी 29 सितंबर से शुरू हुआ ये फेस्टिवल 18 अक्टूबर तक चलेगा। तो दोस्तों, जब तक ये फेस्टिवल खत्म नहीं हो जाता, तब तक तो जरा हट के जरा बच के मूवी शायद ही जियो सिनेमा पर हमें देखने मिले। हालांकि जैसे ही ये फेस्टिवल खत्म होता है, तो अक्टूबर मंथ के 4th वीक तक जरा हट के जरा बच के ओटीटी प्रीमियर कर सकती है। बाकी दोस्तों, वेट करते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। जैसे ही इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर कोई भी अपडेट आती है, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।